सर्वप्रथम हम लोग ने भारतीय कामी उन्नयन परिषद बोल के एक जो परिषद संघ बनाया है, क्यों बनाया है कामी, आप लोगों को बताना चाहेंगे। कामी शब्द क्या है? जो काम करता है उसको कामी बोलता है। हम लोग अनुसूचित जाति में अंतर्भुक्त है, इंडिया के भारत के 316 आर्टिकल का धारा के अंतर्गत हम लोग को 1949 साल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कमलों द्वारा, उनका राजपत्र द्वारा हम लोगों को भारत का अनुसूचित जाति अंतर्गत अंतर्भुक्त किया गया था। उस हिसाब से जितने भी हम भारत में अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, सबको एक ही तरह के हम लोग का सुविधा सम्मान मिलने का बात था। जितने भी हम लोग भारत के देशवासी हैं, हम सब लोगों ने एक साथ में ही भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। लेकिन बाद में जाके हम लोग ने देखा सवर्ण वर्ण के जितने भी अभी अभी बात चर्चा में आया है, जितने भी और दूसरे लोग थे वो लोग ऊपर चले गए, और हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं अथवा माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सब पिछड़ गए। हम लोग को पिछड़ा किया, तो उन लोग का देखने में तो दिखावा में बहुत से प्रावधान हम लोग के लिए रखा गया है, लेकिन देने के नाम में उन लोग के कुछ भी नहीं, देने के नाम में हम लोग को ठेंगा दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं जब हम लोग सामने आता है वो लोग हमसे मीठी मीठी बात करते हैं, और हमको देखने में वो लोग ताली देते हैं, और जब हमारे पीछे होते हैं वो लोग हमको गाली देते हैं। ये तो सबको पता है, क्योंकि हम देखते हैं ना जो संविधान में दिया गया है वो कभी मिलता नहीं है। अगर मिला होता तो आज इस मंच का आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं दे रहे हैं इसलिए हम लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बात का है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं सम्मान के लिए संघर्ष और राष्ट्रीय रणनीति सम्मेलन है। यहाँ संघर्ष के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ा? दूसरों को तो संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन लोग को हम लोग को मार के खाने का आदत हो गया, लेकिन हम लोग का जीने का उन लोग को मारने का संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग जीने का संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बड़ा दुखी बात है, जिस देश में अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लेके हर आदमी को एक जो पहचान देने का कोशिश की, अधिकार देने का कोशिश की, अब जिन्होंने ऐसा किया और उन्हीं के वंशज को अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लांछना लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, और हम लोग को न जाने क्या क्या करके हम लोग को भीतर ढोका जा रहा है, मारा जा रहा है, जिसके बदौलत आज हम लोग ये संघर्ष के लिए एक बतो होने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे और संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोग अकेले रहेंगे। क्योंकि यूनिटी एक ऐसा चीज है, जो एकता जो ऐसा है, एकता में बल होता है। हम लोग जब तक एकता के सूत्र में नहीं बांध जाते, नहीं बन जाते, एक सूत्र में नहीं आते, तब तक हम अकेले रहते। हम जितना भी अच्छी बात करें फिर भी हम अकेले ही रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग एकता में सूत्र में बांध जाए, बन जाए, तो हम अपना जो भी बात कर सकते हैं वो सब का बात होगा, एक साथ में बोलेंगे।